गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज हम ड्यूटी के लिए बॉयलर में आए हैं, क्योंकि पहले बॉयलर में ड्यूटी नहीं था, तो कुछ कारण के लिए हमको बॉयलर में ड्यूटी दे दिया है। और हम लोग का यहाँ 3 यूनिट है, जैसे बॉयलर 1, बॉयलर 2, बॉयलर 3 है। तो आज क्या हुआ ना, मेरे को बॉयलर 2 में ड्यूटी दिया है। और हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस चेकलिस्ट बनाते हैं और डेली बेसिस चेकलिस्ट चेक करते हैं चेकलिस्ट में। तो हम लोग आज का जो चेकिंग है, आज है डीजी सेट। हम डीजी सेट चेक करने के लिए जाएंगे और आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए चलते हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, स्टार्टिंग होगा 30 सेकेंड के बाद, रनिंग होगा, रनिंग के बाद दोनों हम हाँ ये स्टॉप बटन है। तो ये कितना में ये होगा? ये रनिंग हो गया मेरा, पूरा रनिंग हो गया। कितना मिनट लगता है? 30 सेकंड। 30 सेकंड लगता है? 30 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा ना? रनिंग हो चुका, ये अभी रनिंग हो चुका है। अभी लोड दे सकते हैं ना? अब इसको स्टॉप करेंगे यहाँ। हाँ, जैसे प्रोसीजर में स्टार्ट हुआ ऐसे बंद होगा। ओह, ऐसे ही बंद होगा। स्टॉप होने में भी टाइम लगाएगा। ओह, 30 सेकंड में रहता है। और स्टॉप होने में कितना टाइम लगता है? 38 सेकंड दिया। 38 सेकंड आएगा? 38 सेकंड आएगा ना? चलिए ठीक है, बहुत ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 38 सेकंड अपने आप बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है। कंप्रेसर का भी सेम है, कंप्रेसर का भी सेम है ना? चलिए ठीक है। दोबारा डाल देगा ना, जब करना आता है इंजन स्टार्ट नहीं होता, एक बार डाल के खोल देना, अपने आप बंद हो जाएगा। डबल स्ट्रोक मारेंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसको स्टॉप दे दिए, ये टाइम भी दे दिया हम, स्टेरिंग बंद करके चले जाते हैं। हां, नहीं नहीं, स्टॉप करेंगे। अभी देखिए बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। चलिए ठीक है।